डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट करेक्टर। निम्न में से कौन से संयोजक गुण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है? आपको ये बताना है कि कोवेलेंट करेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब कि फजांस रूल के हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको दिया क्या है, आपको दिया हुआ है अगर मैं देखूँ तो आपको दिया हुआ है KCl, और फिर आपको दिया है CaCl2, और फिर आपको दिया है AlCl3, और फिर आपको दिया है SnCl4। अगर यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो पोटेशियम पे +1 चार्ज है, कैल्शियम पे +2 चार्ज है, एल्युमिनियम पे 3+ चार्ज है, और टिन पे जो है वो 4+ चार्ज हो जाएगा, क्योंकि भाई क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है -1। तो -1 की वजह से +1, -2 की वजह से +2, -3 की वजह से +3, और -4 की वजह से +4 यहाँ पर चार्ज आ जाएगा। बस आपको बातें समझ में आ रही है कि +4 चार्ज यानी कि छोटा साइज, और छोटा साइज अगर होगा तो इसका कोवेलेंट करेक्टर कैसा होगा, ज़्यादा, बात समझ में आए, तो छोटा कहता है भाई, जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होता है उतना साइज छोटा होता जाता है, और उसकी वजह से पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, तो इसका कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज़्यादा, और यहाँ पर इसका कोवेलेंट करेक्टर जो होगा वो कैसा होगा, सबसे कम होगा, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो KCl लेस देन CaCl2 लेस देन AlCl3 लेस देन SnCl4, यही वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आप ऑप्शन यहाँ पर देख लेंगे तो आंसर 1 जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो फजान आपसे ये कहते हैं कि छोटा कैटायन और बड़ा एनायन, तो यहाँ पर एनायन का साइज आप देख रहे हो क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो जितना छोटा कैटायन होगा उतना कोवेलेंट करेक्टर को वो ज़्यादा जनरेट करेगा, उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर को बढ़ाएगा, ठीक है ना। ठीक, तो आंसर इसमें 1 करेक्ट हो जाएगा।